दोस्तों नमस्कार, आज हम आपके लिए लाए हैं रीना रॉय जी का जीवन परिचय। यह वीडियो आपको करंट अफेयर्स प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में सहायक होगी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। रीना रॉय एक जानी मानी हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी, जिनका जन्म 7 जनवरी 1957 को हुआ था। रीना रॉय एक प्रमुख हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी, जिन्होंने 1972 से 1985 तक कई प्रमुख भूमिकाएं निभाई। उन्हें उनके समय में सबसे अधिक कमाई वाली अभिनेत्रियों में गिना जाता था। रीना रॉय को 1998 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ शर्मिला टैगोर के साथ हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म अपनापन 1977 में उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। उन्हें नागिन 1976 और आशा 1980 के लिए भी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। हाँ, रीना रॉय की दो बहनें बरखा और अंजू हैं और एक भाई राजा है। 1983 में जब उनकी प्रसिद्धि का अधिकतम स्तर था, वह पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी मोहसिन खान से शादी करने के लिए फिल्म उद्योग को छोड़ने का निर्णय लिया। हाँ, रीना रॉय और मोहसिन खान के बीच तलाक हुआ था। शुरू में तलाक के समय उन्होंने अपनी बेटी सनम की कस्टडी को खो दिया था, लेकिन उनके पूर्व पति के पुनर्विवाह के बाद उन्हें उनकी बेटी की कस्टडी मिल गई। हाँ, रीना रॉय का करियर फिल्म नई दुनिया नए लोग के साथ शुरू हुआ था, जिसमें वह नवगंतुक डैनी डेंजोंगपा के साथ काम कर रही थी, लेकिन यह फिल्म अस्थाई रूप से बंद कर दी गई थी। हाँ, रीना रॉय और डैनी डेंजोंगपा को फिर से एक साथ जरूरत 1972 में नवगंतुक अभिनय के साथ लिया गया। इस अवधि के दौरान उन्हें जैसे को तैसा 1973 से पहचान मिली। हाँ, 1976 रीना रॉय के करियर के लिए महत्वपूर्ण वर्ष था। उन्हें नागिन और कालीचरण 1976 के साथ प्रमुख सफलता प्राप्त हुई। सुभाष घई, जो असफल अभिनेता थे, उन्होंने उस समय अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। हाँ, वह सही है, शत्रुघ्न सिन्हा ने नागिन में नायक के रूप में अपनी पहली पहचान बनाई। यह फिल्म उन्हें खलनायक भूमिकाओं के बाद एक नायक के रूप में प्रस्तुत करती है। जैसा कि आपने कहा, यह फिल्म सभी की उम्मीदों को पार कर गई और आश्चर्यजनक रूप से हिट हुई। हाँ, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सुभाष घई की विश्वनाथ 1978 जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। प्रेस ने उनके रिश्ते की भी चर्चा की, जो 1981 में शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम सिन्हा नाम की एक पूर्व अभिनेत्री से शादी करने के बाद समाप्त हुआ। रीना रॉय की पहचान उनकी मेहनत और प्रतिभा का परिणाम है, न कि किसी पहचान की मोहताज से। उन्होंने अपने हुस्न और अदाओं के साथ बॉलीवुड में करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन उनका जीवन भी कई संघर्षों से भरा रहा है। रीना रॉय के जीवन में कई मुश्किलें और संघर्ष रहे हैं, जिसमें माँ पिता का तलाक, जवानी में ब्रेकअप और रिश्तों की बदलती दास्तानें शामिल हैं। वे शत्रुघ्न सिन्हा के साथ लंबे समय तक रिश्ते में रहीं, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कई बदलाव आए। उनकी शादी मोहसिन खान से हुई, लेकिन यह भी दोनों के बीच असफल रही। इससे पहले कि इसके बारे में कुछ कहा जाए, हमें उनके अभिनय के माध्यम से उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, जो उन्होंने फिल्म उद्योग में अपने अद्वितीय योगदान के माध्यम से दिया। रीना रॉय की माँ शारदा रॉय हिंदू महिला थीं, और जब रीना रॉय ने शाकिब अली से शादी की तो उनकी बेटी का जन्म हुआ। जन्म के समय उनका नाम सायरा अली रखा गया था। रीना की छोटी उम्र में उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इस मुश्किल समय में रीना ने अपने बचपन के साथ मुफ्त जीने की स्थिति से गुजारा किया। उन्होंने बड़े होकर पैसे कमाने का सपना देखा था। रीना रॉय ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने बड़े होते ही परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभाल ली, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके लिए भी उनका सफर आसान नहीं था। उन्होंने परिवार का पेट पालने के लिए क्लब में डांस करना शुरू किया।
इससे पहले कि वह अभिनय क्षेत्र में कदम रखे, उन्होंने अपने परिवार के लिए आर्थिक सहारा बनाया। बीआर इशारा ने रीना राय को जरूरत नामक फिल्म के लिए एक मौका दिया था जिसमें इंटीमेट सीन्स थे। रीना रॉय ने उन दृश्यों को करने के लिए तैयारता दिखाई और इस फिल्म के लिए कोई अन्य हीरोइन उपलब्ध नहीं थी। जरूरत फिल्म ने हिट होने के साथ साथ दर्शकों का भरपूर प्यार प्राप्त किया। इसके बाद से रीना रॉय को अधिक फिल्मों में भाग लेने का मौका मिलने लगा। यह सच है कि रेखा को उनकी खूबसूरती के लिए माना जाता था, लेकिन ऐसा कहना कि वह जल भून जाती थी जब किसी और को भी सुंदर माना जाता, यह एक आधिकारिक कथन नहीं है। 1976 में रीना रॉय और रेखा ने फिल्म नागिन में साथ में काम किया था। इस फिल्म के सेट पर कुछ हंगामा होना आम बात है, जैसे कि अभिनेताओं के बीच, भिन्न भिन्न प्रतिभागियों के बीच हो सकता है। रीना रॉय की कहानी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने अपने कैरियर में कई उच्चारित कार्य किए और उन्हें बॉलीवुड की पहली नागिन गर्ल के रूप में भी याद किया जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी में अनेक संघर्ष और विवाद भी रहे हैं। आज वे गुमनामी में अपनी जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन उनकी कहानी उनकी प्रतिभा और संघर्ष का प्रतीक है। उनकी यादें और काम आज भी लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। आज आपने रीना रॉय जी के बारे में इस वीडियो में सुना। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। SVP बायोग्राफी। धन्यवाद जी, आपका दिन मंगलमय शुभ हो।